फिल्म की कहानी शुरू होती है एक पुजारी की बेटी सारा अली खान से, जो एक मुसलमान पिटून सुशांत सिंह राजपूत से प्यार कर बैठती है। शुरुआत में वही नॉर्मल लव स्टोरी दिखाई जाती है कि पहले लड़की और लड़के को प्यार होता है और फिर दोनों के अलग अलग धर्म की वजह से उनको अलग किया जाता है, लेकिन फिल्म का क्लाइमेक्स इस फिल्म में जान डाल देता है। कमाल के VFX ग्राफिक्स की मदद से केदारनाथ में मची तबाही तो बेहद ही रोमांचक तरीके से दिखाया गया है। फिल्म में VFX का काफी अच्छे से उपयोग किया गया है। क्लाइमेक्स में जिस तरह से VFX के जरिए केदारनाथ की तबाही दिखाई गई है, उसे देखकर 2013 में केदारनाथ में हुई भयंकर तबाही आपको फिर याद आ जाएगी। म्यूजिक ने किया निराश, क्योंकि इस फिल्म में लव स्टोरी दिखाई गई है तो उस हिसाब से फिल्म में कोई रोमांटिक गाना नहीं है, लेकिन हाँ, नमो नमो गाने ने तो दिल जीत लिया है। लेकिन इस गाने के अलावा फिल्म में कोई भी गाना ऐसा नहीं है जो आपके मन में घर कर जाए। क्यों देखें लव स्टोरी के साथ? अगर आपको केदारनाथ का वो भयंकर मंजर बड़े पर्दे पर देखना है तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। सारा अली खान की बेहतरीन एक्टिंग भी आपको पसंद आ सकती है, क्यों न देखें? अगर आपको वही सिंपल नॉर्मल लव स्टोरी नहीं देखनी तो आपको शायद फिर ये फिल्म थोड़ा बोर हो सकती है।